तो कितनी बढ़िया हमारी आलू मसाला की रेसिपी बन के तैयार है। इस आलू मसाला की रेसिपी के लिए हमने लगभग 400 से 500 ग्राम के आसपास आलू लिया है, जिसमें कि मीडियम साइज़ का 6 आलू लिया है और उसे बॉयल करके और कुछ इस प्रकार के शेप में हमने काटा है। एक आलू को 4 भागों में हमने काटा है। इसमें बड़े बड़े पीस रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया इसका टेक्सचर लगेगा और खाने में भी बहुत ही बढ़िया इसका लगेगा ये टेस्ट। और हमने 2 से 3 हरी मिर्ची को 4 भागों में काटा है और लहसुन हमने 7 से 8 का लिया, अदरक आधी इंच टुकड़ा को घिस दिया हमने, घिस के रखा है। तो अब हम एक फ्राई पैन लेंगे। आप चाहे तो इस रेसिपी को कढ़ाई में भी बना सकते हैं, तवे पे भी बना सकते हैं। तो हमने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच तेल डाला है और उसके बाद इस तेल को हम अच्छे से हीट कर लेंगे और उसके बाद हम सारे आलू को डालेंगे इसमें। तो इसी प्रकार से हमें आलू को डालेंगे, बिल्कुल तेल को बहुत ही ज़्यादा हीट करके इसमें डालेंगे ताकि ये जो हमारा आलू अच्छे से रोस्ट हो सके। ये देखिए हमारा आलू चारों तरफ से अच्छे से ये बिल्कुल ब्राउन भी हो गया है। तो इसी प्रकार से हम सारे आलू को रोस्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे हरी मिर्च को डालेंगे। तो इसी प्रकार से हमने हरी मिर्च डाल के इसे यहाँ पे थोड़ी सी मिला दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे अदरक और लहसुन का जो हमने घिस के रखा था उसे हम ऐड करेंगे। तो अदरक लहसुन इसमें ज़रूरी है डालना ताकि उसे डालने से बहुत ही बढ़िया इसका फ्लेवर आता है। तो इसी प्रकार से हम इसे भी चला लेंगे। तो अब हम यहाँ पे खड़ा जीरा इसमें आधी छोटी चम्मच डालेंगे और हल्दी, सारे मसाले हम इसी स्टेज पर ऐड कर लेंगे, धनिया और ये लाल मिर्च पाउडर हमने कूट के रखा था और ये गरम मसाला थोड़ी सी और लास्ट में नमक। मसाले हमने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल किया है, ज़्यादा मसाला हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो ये देखिए हम इस प्रकार से इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए हमारा अच्छे से ये भुन गया है। तो यहाँ पे हमने जलजीरा का प्रयोग किया है, तो आप चाहे तो यहाँ पे अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल अभी नहीं था नींबू, तो हमने इसी से काम चलाया है। आप नींबू भी ज़रूर डालें। बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं आ रहा था फ्रेंड्स, तो उसके लिए सॉरी, अब से वीडियो रेगुलर आएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी पानी ऐड करके, पानी हम इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, पानी इसलिए ऐड किए हैं ताकि ये मसाला हमारा जो है अच्छे से आलू में चिपक जाए। तो ये देखिए आप इसी प्रकार से चलाएंगे तो ये मसाले सारे आलू के चारों तरफ अच्छे से ये लग जाएंगे और इसका जो फ्लेवर है वो बढ़िया बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे ऐड किया है, थोड़ी सी इसमें जो कलर आ जाए तो थोड़ा देखने में बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पे हमने लास्ट में ऐड कर लिया है। तो इसी प्रकार से ऐड करके हमने इसे अच्छे से मिलाया है। तो ये देखिए फाइनली हमारा आलू मसाला की रेसिपी बन के तैयार है। तो है ना कितना बढ़िया। तो आप भी इस आलू मसाला की रेसिपी को अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे फ्रेंड्स। कोई रेसिपी आपके घर में नहीं हो तो इस प्रकार की रेसिपी बना के आप अपने घर पे ट्राई ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप अपने यहाँ इस रेसिपी को क्या बोलते हैं, नीचे कमेंट करके हमें भी लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।